धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। इसे कहते हैं किसानों की ताकत। दो तीन जिलों में अभी छोटी छोटी महापंचायत क्या हुई, यूपी सरकार के होश उड़ गए। उसके अधिकारी किसानों से जा जाकर माफी मांगने लगे हैं, अपने किए पर पछतावा जाहिर करने लगे हैं, खेद प्रकट करने लगे हैं। तो कहां से उभर रही है यह तस्वीर, आपको बताने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले इन अधिकारियों ने क्या काला कारनामा किया था रात को कि सोते हुए किसानों पर लठ बजा के उनके आंदोलन को खत्म कर दिया था। इसके अलावा आपके सामने रखेंगे कि बीजेपी का वो विधायक जो कल तक किसानों को आतंकवादी बता रहा था और कह रहा था कि अमित शाह जी अगर आपके बस का नहीं है तो मुझे बोलिए, मैं जाकर अपने लोगों के साथ मिलकर 24 घंटे में इन लोगों को जूता मार मार के यहां से भगा दूंगा और इन आतंकवादियों को गोलियों से उड़ा देना चाहिए पुलिस के जरिए। वो भी अब सफाई देने लगा है, वो भी कह रहा है कि मुझ पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। तो दोनों तस्वीर, पुरानी तस्वीरों के साथ वर्तमान तस्वीरों के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले शुरुआत करते हैं बागपत की खबर के साथ, क्योंकि पहली तस्वीर यहीं से जुड़ी हुई है। यहां के बड़ौत इलाके में 19 दिसंबर से एक आंदोलन चल रहा था, जैसे दिल्ली के गाजीपुर पे चल रहा है, जैसे पूरे देश में जगह जगह चल रहा है। तो यहां पर भारतीय किसान यूनियन के लोग धरने पर बैठे हुए थे। दो दिन पहले यहाँ पर एडीएम अनिल कुमार, डीएम यहाँ के एसपी और तमाम भारी पुलिस फोर्स रात को लेकर पहुंचे। और आप तस्वीरों में देखना शुरू कर दीजिए, आपके सामने तस्वीरें आने लग जाएंगी कि किस तरीके से यहाँ पर सो रहे बुजुर्ग किसानों पर लठ बजाया, उन पर लाठी चार्ज किया, उनको वहाँ से उठा उठा के न जाने कहाँ भिजवा दिया, और इसके अलावा उनके लगे हुए टेंट को उखाड़ दिया, जो वहाँ पर सामान रखा हुआ था उसको न जाने कहाँ फिकवा दिया। कल इस मामले को लेकर बागपत में महापंचायत हुई, हालांकि इससे पहले मथुरा में एक महापंचायत हो चुकी थी, मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत हो चुकी थी। और मुजफ्फरनगर वाली महापंचायत पे तो आपको अध्ययन करना चाहिए। 2013 के बाद वो तस्वीर उभरी जब मुजफ्फरनगर दंगों के बाद मंच पर एक साथ मुसलमान और जाट दिखाई दिया, यही यहाँ की एकता का प्रतीक था, जिसे पहले बीजेपी ने हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांटा और बाद में मुसलमान को ठिकाने लगाने के बाद उन जाटों को जो किसान हैं उन्हीं को ठिकाने लगाने पर लग गए। तो अब समझ में आ ही चुका है, तो इसलिए वो मंच पे आ गए। वो तस्वीर काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस पर जितना अध्ययन किया जाना चाहिए, जितनी बातचीत की जानी चाहिए वो कम है। खैर, हम आते हैं बागपत में। तो बागपत में कल महापंचायत थी, उस महापंचायत में किसानों के अंदर ज़बरदस्त गुस्सा दिखाई दिया गाजीपुर वाले कांड को लेकर और बागपत में हुए लाठी चार्ज को लेकर सोते हुए किसानों पर। तो कैसे किसानों ने वहां अपनी बातें रखी हैं, कितने वो गुस्से में थे और उनके उस गुस्से के बाद कौन सा अधिकारी हाथ जोड़ने पहुंच गया उनके बीच, वो आपके सामने आगे रखता हूं। पर पहले किसानों का गुस्सा देख लीजिए। तो आपने देख लिया किस तरीके से किसानों में जबरदस्त गुस्सा था। इसके बाद बागपत का एडीएम, जिनका नाम अनिल कुमार बताया जा रहा, वो पहुंच गए अपने एक एएसपी को लेके। जाना तो चाहिए था डीएम को, जाना तो चाहिए था एसपी को, लेकिन होता क्या है, मातहतों को भेज दो गाली खाने के लिए, ये हैं हम बैठे रहेंगे। जैसे हमेशा सरकार में बैठे लोग जो मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, अधिकारी को सस्पेंड कर दो। अरे काम तो आपने कराया उससे गलत, पुलिस वाला हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, गलत काम तो आपने उससे कराया। वो खैर छोड़िए उस बात को। तो अनिल कुमार जो है वहाँ पहुंच गया, पहुंच जाने के बाद कैसे कह रहे हैं, मैं भी किसान का बेटा हूं, मेरे पिताजी भी किसान हैं, हम लोग पढ़ लिख के आए। तो भाई किसान का बेटा है तो उस दिन कैसे लठ बजवा रहा था और आज क्यों खेद व्यक्त करने की जरूरत पड़ रही। हालांकि जब खेद व्यक्त करने के लिए एडीएम ने माइक संभाला तो किसानों ने उनके सामने भी अपने जबरदस्त गुस्से का इजहार किया। आप पहले तस्वीर देखिए, फिर आपको तस्वीर दिखाएंगे कि जिस वक्त वहां पर लाठी चार्ज किया गया था तो इन एडीएम महोदय ने उस वक्त क्या बयान दिया था। भी किसान के बेटे हैं, हमारे पिताजी भी किसान हैं, हम लोग भी खेती किसानी करके के ही आए हैं, इलाज पढ़ करके उसके बाद नौकरी में आए हैं, आप लोगों के साथ के ही हम लोग भी हैं। अगर जो आप लोग ये है कि सामान जो हमारा सामान अगर लेके गया जो गया हो गए हैं वो सामान भी जितना है, हम लोग चूंकि उस समय वहाँ पे कोई नहीं था और हम लोग सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से ही आप लोगों को से मतलब रिक्वेस्ट भी थी, बात भी की थी सबको, बुजुर्ग के जो भी आपके चौधरी हैं, जो भी बड़े हैं उनको उसी सम्मान के साथ हम लोग हमेशा सम्मान
देते रहे हैं और देते रहेंगे भी। और कोई भी जो सामान है हम लोग अगर वो जो गया होगा अगर पुलिस चौकी पे तो सामान जिसका भी होगा सब हम लोग वापस करवा देंगे। और जो रहा कि धरने के संबंध में कोई FIR या कुछ भी तो कोई इस तरह से किसी का भी FIR आप लोग क्योंकि FIR की जो कॉपी होती है सब ऑनलाइन होती है आप लोग चेक कर लीजिएगा ऑनलाइन किसी का भी कोई भी इस तरह का FIR थाने में दर्ज नहीं है। से हम लोगों ने भरसक प्रयास किया था किसी भी व्यक्ति को क्योंकि सब बुजुर्ग लोग वहाँ पे थे और आप लोग उसमें जितने बुजुर्ग थे हमारे पिताजी और हमारे दादाजी के उम्र के थे हम लोग उनको अपने पिताजी और दादाजी की ही तरह मानते थे तो वही अभी भी मानते हैं थे नहीं है मानते हैं उनको अभी भी उसी तरह से। अगर किसी को कोई अगर हुआ होगा किसी पुलिसकर्मी के द्वारा तो हम लोग उसकी जांच भी करेंगे उसके चूंकि सीनियर अधिकारी हम लोग हैं तो उसके प्रति अगर कोई अगर जूनियर किसी ने किया होगा तो उसके लिए हम लोग खेद भी प्रकट करते हैं आपसे। और आप लोग जो है आप लोग सब लोग किसान हैं हम भी किसान के बेटे हैं हमारे पिताजी भी किसान हैं हम लोग भी खेती किसानी करके ही आए हैं इलाहाबाद पढ़ करके उसके बाद नौकरी में आए हैं आप लोगों के साथ के ही हम लोग भी हैं। सुन लिया आपने देख लिया किसानों को किस तरीके से किसानों ने इनकी जबरदस्त शूटिंग कर दी। हालांकि वहां मौजूद बुजुर्ग किसानों ने अपने नौजवान किसानों को समझाने की कोशिश की लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि अधिकारी आकर बीच में माफी मांग रहा है हालांकि वो माफी का वर्ड यूज नहीं कर रहा खेद कह रहा है कह रहा अगर किसी से गलती से हो गया यानी कि वो अब भी मानने को तैयार नहीं है। बेहतर तो ये होता कि उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाती जिन्होंने सोते हुए किसानों पर लाठीचार्ज किया और फिर उस पर कार्रवाई की जाती एक्शन लिया जाता उन लोगों को हटाया जाता चाहे वो DM था चाहे वो SP था लेकिन खेद प्रकट करा के ही पूरे मामले को निपटाने की कोशिश की जा रही। अब आपके सामने वो तस्वीर रखते हैं जो उस दिन की थी के ADM महोदय ने क्या बयान दिया था वो सुन लीजिए। बयान में वो बता रहे हैं कि कोई लाठी नहीं चली है जी कुछ ऐसा नहीं किया गया और हम साथ में उन्हीं के बयान के तस्वीरें वो लगवा रहे हैं जहां पे लाठी चल रही है और किसान घायल दिखाई दे रहे हैं। दोनों चीजें बाइट भी सुनिए और बगल में विजुअल भी देखिए। आज NHI ने हम लोगों को पत्र लिखा था चूंकि NHI के कार में बाधा पहुंच रही थी तो उन लोगों ने पत्र भेज करके रिक्वेस्ट किया था कि हमारे कार्य को पूरा कराया जाए चूँकि इनका कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है तो उसको पूर्ण कराने के लिए हम लोग आए थे और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग अपना स्वतः ये लोग चले गए हम लोग उनके जो सामान थे उनको रख दिए। कितने दिन धंधा चल रहा है ये हम लोग जब आए तो 4-5 वृद्ध लोग थे एक उसमें से मतलब थोड़ा सा उसका वो दिमाग को मतलब कम था उन लोगों को हम लोगों ने उनके घरों पे भिजवा दिया। किया या नहीं किया नहीं किसी भी तरह का कोई नहीं वो लोग शांतिपूर्ण ढंग से वो लोग चले नहीं किसी भी तरह का कोई भी बल प्रयोग नहीं हुआ। वो किसी हॉस्पिटल में नहीं गए हैं उनको घर पे भेजा गया क्योंकि बुजुर्ग थे उसमें से एक थोड़ा सा उसका दिमाग जैसा हम लोगों को पता चला कि थोड़ा सा मतलब वो था उसको घर पे भेजा गया। सबको चोट लगी है खून निकल रहा है नहीं किसी को भी नहीं किसी को भी किसी भी तरह की कोई चोट नहीं। ये तस्वीर हुई बागपत की जरासी महापंचायत हुई अभी तो शुरुआत है किसान अभी जागा है उसे एहसास हुआ है कि वो किसान अगर बना रहेगा हिंदू मुसलमान नहीं बनेगा तो इस सरकार को उसकी औकात पता चलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आखिर वोट तो उन्हीं का लेना है ना दोबारा तो उन्हीं के पास जाना होगा और आपको पता ही है इस वक्त पश्चिम उत्तर प्रदेश क्या पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने जिला पंचायत का चुनाव होना है ब्लॉक स्तर का चुनाव होना है और ग्राम पंचायत का चुनाव होना है तो ऐसे चुनावों में कैसे जीत पाएगी भाजपा ऐसे हालात के अंदर। इसी के चलते लगता है चुनाव को पीछे करा दिया आदित्यनाथ योगी ने। पहले 20 मार्च से 10 अप्रैल के बीच चुनाव होने थे लेकिन अभी चुनाव को 10 अप्रैल से आगे बढ़ा दिया है। लग रहे होंगे कि पहले मैनेज कर लें अपने अधिकारियों से माफ़ी मंगवा लें अपने जो नेता कुछ बड़बोले पैदा हो गए हैं जो एवं हवा में तलवार चलाने लगते हैं उनसे माफ़ी मंगवा लें। तो अब बात कर लेते हैं नेताजी की कि कौन से नेताजी माफ़ी मांग रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी विधानसभा से BJP के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर उन्होंने ऐलान किया था कि अगर अमित शाह इन लोगों को नहीं हटवा पा रहे हैं तो उन्हें मौका दें वो जो है इन लोगों को जाकर जूते मार मार के यहां से भगा देंगे और ये सब आतंकवादी हैं। पहले आपका उनका वो पुराना बयान सुनिए फिर बताएंगे उन्होंने कैसे सफाई दी है और वो सफाई है कि माफी है आप खुद डिसाइड कीजिएगा। पूरे दुनिया के अंदर
भारत की छवि को बहुत गहरा धक्का लगा है। ये टिकैत जैसे, केजरीवाल जैसे, योगेंद्र यादव, दर्शनपाल जैसे तथाकथित जो फर्जी किसान नेता आतंकवादी, जो किसान नेता आतंकवादी जो वास्तव में तो आतंकवादी हैं, किसान नेता बनकर के जिस तरह से इन्होंने यहां बैठकर जिनकी जो पार्टियां खत्म हो चुकी थी और जो लगातार दो महीने तक जनता का जो नुकसान किया है और उसके बाद दिल्ली में घुस करके जो हमारे जो जवान हैं, क्योंकि वो भी किसानों के बेटे हैं, उनको जिस तरह से मारने पीटने का और जो एक उपद्रव मचाया, जो नुकसान किया है, वो मैं समझता हूँ क्षमा करने लायक नहीं है। और सरकार को इस पर माननीय गृहमंत्री जी से ये पत्र लिख करके मांग की है कि तत्काल ऐसे लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके फांसी की सजा दी जाए। और जो आज भी खालिस्तान के नाम पे, क्योंकि जो किसान थे उन्हें पता चला और किसान भी शर्मसार हैं, जो थोड़े बहुत बरगला करके इनके साथ आए थे, आज भी जितने भी वहां बैठे हैं वो 100% आतंकवादी हैं, 100% आतंकवादी हैं, क्योंकि जो फर्जी जो किसानों के नेता बने थे वो मुंह छुपा के दुम दबा करके यहां से भाग चुके हैं कायर। आज उनको जरूरत है कि पुलिस उनको सूट करे। अगर वो नहीं भागते 24 घंटे के अंदर तो सरकार के सामने अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो मेरी विधानसभा और एनसीआर के लोग एकदम तैयार हैं और हमारे समाज के लोग भी एकदम पूरी तरह तैयार हैं कि इनको जूते मार के खदेड़ने का काम करेंगे, पूरे राष्ट्र विरोधियों को खदेड़ने के लिए। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी राष्ट्रभक्त 11 बजे 31 तारीख दिन रविवार को जॉन इंटर कॉलेज में भारी संख्या में पहुंच करके एक संकल्प ले महा पंचायत में कि हम लोग तिरंगे की शान के लिए मरना और मिटना जानते हैं। और मुझे उम्मीद है कि सभी एनसीआर के और देश के लोग जो मेरी जहां तक वीडियो जाए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे इन राक्षसों को, इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दें। मैंने पहले ही कहा था कि केजरीवाल के संबंध आईएसआई और दाऊद इब्राहिम से है और विदेश से फंडिंग हुई है किसानों की है। मैं समझता हूँ कि इस तरह का किसान कभी नहीं कर सकता जिस तरह की घटना हुई है, क्योंकि इतना लंबा समय आंदोलन चल रहा और वहां जिस तरह की व्यवस्थाएं थी, अरबों रुपए का खर्चा था, इसकी भी जांच की जाए और इन्हें फांसी की सजा हो। और मेरा दोबारा हाथ जोड़ के निवेदन है सभी एनसीआर और भारत के जितने भी सम्मानित भाई बहन है, हम से सुन लिया आपने। यहाँ नेताजी कह रहे हैं कि ये आतंकवादी है, इनको गोली मार दो। यहाँ वो कह रहे हैं कि अगर ये आतंकवादी नहीं हट रहे हैं तो मैं अपनी विधानसभा और दिल्ली एनसीआर के लोगों को लेकर जाऊंगा और जूते मार मार के इनको यहां से भगा दूंगा। यहाँ वो कह रहे हैं कि मैं 31 जनवरी को लोनी इंटर कॉलेज के अंदर एक पंचायत करूंगा। लेकिन जैसे ही तस्वीरें वायरल हुई राकेश टिकैत की रोते हुए और किसानों के अंदर जबरदस्त गुस्सा फैल गया और गुर्जर समाज से लोग निकल के आ गए, जैसे आपने देखा होगा अतुल प्रधान को, जैसे आपने देखा होगा मदन भैया जो गाजियाबाद के लोनी इलाके से विधायक रह चुके हैं, उन्होंने साफ कहा कि गुर्जर समाज पूरी तरह आंदोलन के साथ खड़ा हुआ है और जो किसान आंदोलन को जाट और गुर्जर के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों का बायकाट करते हैं। इसी तरीके से लोनी की जो नगर पालिका चेयरमैन है रंजीता धामा, वो खुद जाट समुदाय से आते हैं, उन्होंने तो एक सर्व समाज की पंचायत कर दी बैठक के अंदर और उन्होंने लेटर लिख दिया मुख्यमंत्री को कि ऐसे विधायक के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो लगता है उस तमाम चीज़ों का असर हुआ, पंचायत तो की नहीं इंटर कॉलेज में, अब सफाई दे रहे हैं। सफाई कैसे दे रहे हैं वो थोड़ा सा उनकी जबानी सुन लीजिए, आपको माफी वाला पुट भी नजर आएगा। ये राकेश टिकैत जी का और नरेश टिकैत दोनों का मैं सम्मान करता हूँ, वो किसान नेता है और मैं भी खुद किसान हूँ, लेकिन उनको शायद लगता है कि कहीं से कहीं इस तरह गुमराह या मिसगाइड किया गया है। नरेश टिकैत जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, राकेश टिकैत जी को जो गुमराह किया गया है उसके बारे में वो कम से कम जो एक आपस में किसानों में कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो शांत तभी होगा कि वो सच्चाई को स्वीकार करें कि मैं वहां गया नहीं हूं। अगर मैं वहां गया हूं तो मैं अपनी विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा और राजनीति छोड़ दूंगा। इसलिए नरेश टिकैत जी की बात का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन राकेश टिकैत जी देश के सामने ये कहें कि वो गलती से विधायक का नाम लिया है। सफाई तो है ही है कि मैं वहां नहीं गया था, मेरे बारे में ऐसा प्रचार क्यों किया जा रहा है, मुझ पर झूठे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। लेकिन पहले सीना ठोक के कहा जा रहा था कि हम अपने लोगों को लेके जाएंगे, इन आतंकवादियों को जूता मार मार के वहां से हटा देंगे, पर अब क्या कहा जा रहा है कि ये किसान है। आपने ध्यान से सुना हो तो बोल रहे हैं कि किसान नेता है राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, लेकिन पहले क्या बता रहे थे ध्यान से सुन लीजिएगा, बैक करके दोबारा वीडियो यहां नहीं लगा रहा हूं, पहले बताया जा रहा था कि आतंकवादी हैं। तो यहां ये कहना क्या गलत है कि यही है किसानों की ताकत, और जब किसान किसान बन जाएगा, जब इस देश का मजदूर मजदूर बन जाएगा, हिंदू मुसलमान में नहीं बटेगा, तो सत्ता में बैठे लोगों को 2 मिनट लगते हैं अपनी औकात पर आने में, पता चल जाता है उनको कि आखिर उनके वोट के जरिए ही तो वो लोग जीते हैं। इन्हें पता था यही कि हमने लोगों को बांट दिया है, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट ले लेते हैं, लेकिन लगता है अब किसान
किसान बन रहा है, और क्या वो वाकई में किसान बन पाएगा, ये आने वाला उत्तर प्रदेश में जो पंचायत का चुनाव है वो साबित कर देगा कि भाजपा कितनी सिमटती है, कितनी बढ़ती है, या वो अपने दमखम पर बढ़ जाती है और विपक्षी पार्टियां पहले की तरह अपना नकारापन जारी रखती हैं और वो हार जाती हैं। जैसे आप देखिए अभी 6-7 सीटों पर चुनाव हुआ, एक सीट बुलंदशहर की आरएलडी यानी कि अजीत सिंह की पार्टी के हिस्से में आई, वो वहां पे प्रचार करने तक नहीं जा सके, जयंत चौधरी वहां प्रचार करने तक नहीं जा सके, आदित्यनाथ योगी 310 विधायकों के सीएम होने के बावजूद हर सीट पे जा रहे थे, बिहार में भी जा रहे थे, तो वो लोग लड़ते तो हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा, ये लोग लड़ना भी नहीं जानते हैं, सिर्फ सोचते हैं कि एक माहौल सरकार के खिलाफ बन गया, दुखी होकर हमें वोट दे देंगे। बहुत से नेताओं की होती है ना इस तरीके की सोच। तो ये चुनाव जो होगा उत्तर प्रदेश में वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, उस पर नज़र बनाए रखेंगे, देखेंगे कि किसान अब भी कितना हिंदू मुसलमान बना हुआ है। पर जो तस्वीरें फिलहाल अभी उभरी उसे यही कहा जा सकता है कि किसानों ने अपनी ज़रा सी ताकत का एहसास कराया, तो क्या सत्ताधारी लोग, क्या उनका प्रशासन, क्या उनके विधायक जो खुद कूद के हवा में खूब तलवारें चला रहे थे, उन्हें अपनी औकात का अंदाज़ा हो गया। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलस्त मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।